हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो कि आपका टॉपिक एमएससी बीएससी और नेट और गेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है तो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का टॉपिक रेजिड्यू एट पोल तो हम किसी भी फंक्शन जो कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वेरेबल होगा एफ जेड उसका रेजिड्यू एट पोल फाइंड आउट करने का प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं तो पहले तो रेजोटिव एट पोल की डेफिनेशन जान लेते हैं अगर जेड इक्वल टू ए कोई पोल है किसी फंक्शन एफ जेड का और गामा कोई सर्कल है अराउंड ए सच देट एफ जेड हैज नो सिमलरिटी इन गामा एक्सेप्ट जेड इक्वल टू मान लो ये कोई फंक्शन एफ जेड है जो इस रीजन के अंदर डिफाइंड था यहाँ पर हमने क्या किया इस रीजन के अंदर अगर जेड इक्वल टू ए कोई सिमुलरिटी है फंक्शन की तो इस सिंगलैरिटी को सेंटर मानकर एक सर्कल हमने ड्रो कर दिया इस सर्कल को हम गामा बोल रहे हैं तो ये जो गामा सर्कल है इस सर्कल के अंदर ऐसा सर्कल ड्रो करना है इसमें जेडिकॉट टू ए के अलावा फंक्शन एफ जेड की कोई सिंगलैरिटी ना लाई करे तो ये जो पूरा पोर्शन है वो एक रिंग शेप रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका सीरीज एक्सपेंशन अगर किया जाए जेड माइनस ए की पावर में तो ये लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन बनेगा ऐसा हम लास्ट वीडियो में लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पर एफ जेड का एक्सपेंशन अगर मान लो ये बनता है जेड एफ जेड इक्वल टू समीशन एन गोज टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस ए टू दावर एन प्लस समीशन एन गोज टू वन टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए टू दावर माइनस एन तो इस सीरीज एक्सपेंशन के अंदर जो हमारा बी वन होगा बी वन मतलब जेड माइनस ए की पावर माइनस वन का कोफिशेंट जब इस सीरीज को एक्सपेंड करेंगे तो जेड माइनस ए की पॉजिटिव भी पावर आएगी और नेगेटिव भी तो जेड माइनस ए की जो नेगेटिव पावर है उनमें जो बी वन होगा यानी कि जेड माइनस ए की पावर माइनस वन का कोफिशेंट उसी को क्या कहते हैं फंक्शन एफ जेड का रेजडिव एट जेड इक्वल टू ए बोलते हैं और इसे रेजिटिव को रेजिडिव एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए को हम ऐसे डिनोट करते हैं दैट मीन्स रेजिटिव किसी फंक्शन एफ जेड का निकालना है तो आपको उसका सीरीज एक्सपेंशन करना है एक्सपेंशन इन पावर्स ऑफ जेड माइनस ए करना है अगर जेड इक्वल टू ए पर रेजिटिव निकालना है और उसमें जेड माइनस ए की पावर माइनस वन के कोफिशेंट को देख लेना है यानी कि गुणांक को तो जो कोफिशेंट आता है वही आपका रेजिटिव एफ एट जेड इक्वल टू ए होगा और उसे हम बी वन से डिनोट यहाँ पर करें हाँ हमने इस सीरीज में ये पढ़ा था लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन में जो ये इक्वेशन वन है इसमें बी एन का फार्मूला होता है वन अपॉन्ट टू पाई आई एंट्रीगल अराउंड द सर्कल गामा एफ जेड अपॉन्ट जेड माइनस ए टू दर माइनस एन प्लस वन डी जेड अब यहाँ से अगर हम बी वन की वैल्यू निकालें तो एन इक्वल टू वन पुट करने पर आप देख सकते हैं कि बी वन की वैल्यू ये बनेगी ये जो बी वन है यहाँ यानी कि यहाँ से हमें रेजिटिव के लिए एक और फार्मूला बन जाता है किसी फंक्शन एफ जेड का रेजटिव जेड इक्वल टू ए पर फाइंड आउट करना है तो वो इजिकल टू होगा बी वन इजिकल टू वन अपॉइंट टू पाई इंट्रीगल एफ जेड अलॉन्ग गामा सर्कल ध्यान रहे गामा यहाँ जो सर्कल होगा अभी ऊपर डिस्कस किया था एक ऐसा सर्कल होगा जिसका सेंटर जेड इक्वल टू ए होगा और हैव नो सिमिलैरिटी अदर देन जेड इक्वल टू है उस सर्कल के अंदर ए के अलावा कोई सिमिलैरिटी नहीं लाई करती हो अब रेजिटिव फाइंड आउट करने का एक प्रोसेस ही तो ये फार्मूला हो गया दूसरा ये हो गया रेजिटिव ऑफ एफ जेड जेड इक्वल टू ए पर किसके इक्वल होगा कोफिशियंट ऑफ वन अपॉइंट जेड माइनस ए इन एक्सपेंशन ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि एफ जेड का एक्सपेंशन कर लेंगे जेड माइनस ए की पावर में तो जेड माइनस ए की पावर माइनस वन यानी कि वन अपॉइंट जेड माइनस ए का जो कोफिशियंट आएगा गुणांक वही फंक्शन का रेजिटिव एट जेड इक्वल टू ए के इक्वल होगा फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे किसी क्वेश्चन में कहा जाता है कि फाइंड द रेजिटिव फाइंड द रेजिटिव ऑफ ई टू पावर जेड अपॉन जेड एट इट्स पोल तो इसके पोल पर हमें इसका रेजिटिव निकालना है तो पहले तो पोल आइडेंटिफाई करना होगा भाई पोल फाइंड आउट करने का प्रोसेस क्या है मैंने आप लोगों को बताया कि फॉर पोल के लिए आपको जस्ट इतना करना होगा कि डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रख देंगे डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रख देंगे तो डिनोमिनेटर यहाँ पर कितना है जेड उसे जीरो के इक्वल रखा तो यहाँ से हमें पोल सिमुलरिटी मिल जाती है जेड इक्वल टू जीरो एज पोल ऑफ एफ जेड ये एफ जेड का हमें जो पोल पता लगता अब वो पूछ रहा है रेजिडिव एट पोल निकालो तो पोल तो हमारा जेड इक्वल टू जीरो हो गया अब इस पर पोल निकालना है तो अभी जो हमने ऊपर डेफिनेशन ये डिस्कस की कि जेड इक्वल टू ए पर रेजिडिव निकालना है तो फंक्शन को जेड माइनस ई की पावर में एक्सपेंड करें तो वन अपॉन जेड माइनस ए के इंटू में जो आएगा वो उसका रेजिडिव हो जाएगा एट जेड इक्वल टू ए हमारा पोल क्या है जेड इक्वल टू जीरो तो इसको जेड माइनस जीरो की पावर में एक्सपेंड करना होगा अब हमारे पास जो फंक्शन है एफ जेड वो क्या है ई टू दी पावर जेड अपॉन जेड इसको हम एक्सपेंशन से करें तो ई टू देड का एक्सपेंशन क्या होता है वन प्लस जेड अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल इस तरीके से होता है अब इसके अंदर हम वन अपॉन जेड के अंदर इंटू कर दें तो क्या बनेगा वन अपॉन जेड प्लस वन प्लस जेड अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस वन अब इस सीरीज एक्सपेंशन के अंदर हमें रेजिटिव एट जेड इक्वल टू जीरो चाहिए तो ऊपर वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग रेजिटिव एफ जेड एट जेड इक्वल टू जीरो चाहिए तो इस फार्मूले में एक ही जगह पर जीरो आ जाएगा वो किसके इक्वल होगा कोफिसियट ऑफ वन अपॉन जेड इन एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड तो एफ जेड के जो एक्सपेंशन किया ये आ रहा है इसमें जेड का कोफिशियंट कितना है भाई का है तो ये इसका रेजिटिव हो जाएगा दिस इज आंसर अब हम कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से हम इजीली रेजिटिव फाइंड आउट कर सकें किसी भी फंक्शन एफ जेड का विदाउट एक्सपेंडिंग एक्सपेंशन करने से तो फाइंड कर ही सकते हैं पर एक्सपेंशन का प्रोसेस काफ़ी लेंदी हो जाता है कई बार हम फंक्शन का एक्सपेंशन करने में प्रॉब्लम में आ जाते हैं टफ हो जाता है तो उस केस में हम ये कुछ फार्मूलेज या प्रोसेस uh, या मेथड का यूज़ करेंगे अगर हमारे पास रेजड्यू हमें सॉल्व करना है किसी फंक्शन एफ जेड का एट सिंपल पोल सिंपल पोल पर भाई सिंपल पोल किसे कहते हैं वो पोल जो पोल ऑफ ऑर्डर वन का हो पोल ऑफ ऑर्डर वन ऑर्डर वन मतलब जैसे हम डिनोमीटर को जीरो रखकर पोल निकालते हैं तो डिनोमीटर को जीरो रखकर अगर जेड माइनस ए की पावर एम बन रही है और उसको जीरो के इक्वल रखें आप उनमें जेड माइनस ए की पावर एम बन रही है उसको जीरो रखेंगे तो जेड की वैल्यू ए ए एम बार आएगी तो वो पोल एम ऑर्डर का होगा अगर जेड माइनस ए की पावर वन ही बन रही है तो जेड इक्वल टू ए आया तो वो पोल ए की बार आएगा जेड इक्वल टू ए तो वो पोल ऑर्डर वन का होगा और उसे सिंपल पोल होगा कहते हैं तो सिंपल पोल अगर जेड इक्वल टू ए है किसी फंक्शन एफ जेड का तो उस पर रेजिटिव फाइंड आउट करना है जेड इक्वल टू ए पर फंक्शन का तो जस्ट आपको क्या करना होगा जेड इक्वल टू ए सिंपल पोल किस वेक्टर की वजह से बनाता है जेड माइनस ए तो उसकी जेड माइनस ए की पावर वन से एफ जेड की मल्टीप्लाई कर देंगे और जेड टेंस टू ए रिप्लेस कर देंगे फंक्शन एफ जेड का रेजिटिव जेड इक्वल टू ए निकल आएगा फिर से रिपीट कर रहा हूँ अगर जेड इक्वल टू ए सिंपल पोल है किसी फंक्शन एफ जेड का तो आपको फंक्शन में जेड माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देनी है अगर सिंपल पोल है मतलब वन पावर वन ऑर्डर का तो जेड माइनस ए की पावर वन से इंटू करनी है जेड में और फिर जेड टेंस टू ए लिमिट रिप्लेस कर देनी है तो जो आएगा फंक्शन का रेजिटिव आ जाएगा एड जेडिकॉल टू अगर रेजिटिव फाइंड करना हो किस पर जेड इक्वर टू ए पर और वो पोल कितने ऑर्डर का हो एम ऑर्डर का मतलब जो पोल हम निकाल रहे हैं जेडिकवल टू ए वो निकले डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रखकर और डिनोमिनेटर में जेड माइनस ए की पावर एम हो वन ना होकर एम पावर हो तो जेड जेड इक वू ए पोल क्या लाएगा ऑर्डर एम का तो उस पर रेजिटिव निकालना है तो रेजिडिड एफ जेडिक वॉट टू ए निकालना है और ए, एम ऑर्डर का पोल है तो सिंपल सा काम करना है आपको एफ जेड में पहले जेड माइनस ए कितने ऑर्डर का पोल है एम ऑर्डर का तो जेड माइनस ए की पावर एम से एफ जेड में इंटू करनी है और एम ऑर्डर का पोल है तो एम माइनस वन टाइम डेरिवेटिव करके उसमें मल्टीप्लाई कर देनी है वन अपोन एम माइनस वन फैक्टोरियल की रिप्लेस करना है जेड को किससे से ए से तो जाएगा फिर से रिपीट कर रहा हूं अगर एफ जेड के लिए Z equal to a, M order का का है 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 तो आपको M order का पोल है, तो आपको से FZ में इंटू करनी है, then order से में करनी एक कम यानी कि एम माइनस वन टाइम डेरिवेटिव करके इंटू कर देनी है one M minus one से है, और जेड को ए से रिप्लेस कर देना है अभी एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो आपको हमारी बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेजिटिव निकालो हाँ तो रेजिटिव अगर हमें निकालना है किसी भी फंक्शन का सिंपल पोल पे तो आपको जस्ट क्या करना है उस फंक्शन जेड इक्वल टू ए रेजिटिव सिंपल फंक्शन के लिए सिंपल पोल है यानी कि ऑर्डर वन का पोल है तो आपको जेड माइनस ए से फंक्शन एफ जेड में इंटू करनी है और उसके बाद जेड टेंस टू ए रिप्लेस कर देना है सिंपल पोल पर रेजिटिव निकल आएगा अगर आपका जेड इक्वल टू ए मल्टीपल पोल है यानी कि एम ऑर्डर का पोल है तो आपको एफ जेड में जेड माइनस ए की पावर जितने ऑर्डर का पोल है एम ऑर्डर का तो जेड माइनस ए की पावर एम से इंटू करनी है और एक कम बार ऑर्डर से एक कम बार यानी कि एम माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन करके रिप्लेस करना है और, करते हैं और आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी मान लीजिए वो कहता है क्वेश्चन एक डिस्कस इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन में कहता है फाइंड द रेजिटिव ऑफ दिस एट देयर पोल इस फंक्शन का उसके पोल पर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा जो हमने ऊपर डिस्कस किया पहले तो इसके पोल फाइंड आउट करने हैं तो पोल के लिए आपको क्या करना होगा पोल फाइंड आउट करने के लिए आपको डिनोमिनेटर जो भी है डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रख देना है तो डिनोमिनेटर है जेड माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस टू तो जीरो के इक्वल रखा तो यहाँ से जेड माइनस वन का होल स्क्वायर जीरो पॉसिबल है या जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो होगा हो तो जेड की यहाँ से वैल्यू क्या आती है होल स्क्वायर है तो जेड इक्वल टू वन जेड इक्वल टू वन दो बार आएगा और यहाँ से जेड इक्वल टू टू आएगा एक वैल्यू तो यहाँ से जेड इक्वल टू वन जो है वो पोल हुआ ऑफ ऑर्डर टू क्योंकि दो बार रिपीट हो रहा है और जेड इक्वल टू टू जो है वो पोल हुआ ऑफ ऑर्डर वन और ऑर्डर वन क्योंकि एक ही बार आ रहा है ऑर्डर वन के पोल को ही क्या कहा जाता है सिंपल पोल सिंपल पोल हो गया तो अब हमारे पास एक पोल सिंपल पोल है और एक हमारा पोल ऑर्डर एम का पोल है एम ये ऑर्डर जो है वो एम की वैल्यू बताएगा इसमें यानी कि एम इक्वल टू कितना हो गया टू तो अब इसके लिए हम फार्मूला लगा देंगे फॉर सिंपल पोल फॉर सिंपल पोल जेड इक्वल टू टू रेजडू एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए का फार्मूला था क्या फार्मूला था सिंपल पोल के लिए लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए इंटू एफ जेड अब यहाँ पर हमारा ए की वैल्यू कितनी है किस पर रेजिटिव निकाल रहे हैं वो ए हो जाएगा तो ए हमारा हो गया जेड इक्वल टू टू और इसलिए फार्मूला बन जाएगा जेड टेंस टू टू जेड माइनस टू इंटू एफ जेड और एफ जेड हमारे क्वेश्चन में दिया था जेड प्लस वन अपोन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस टू और इस तरीके से जेड माइनस टू से जेड माइनस टू कैंसिल बाकी में हम जेड इक्वल टू टू रिप्लेस करेंगे तो टू प्लस वन अपॉन टू माइनस वन का होल स्क्वायर तो ये सॉल्व करके हमारा रेजिटिव थ्री आ जाता है ये रेजिटिव की वैल्यू हो गई अब अगर हम फोर पोल जेड इक्वल टू वन के लिए बात करें तो ये पोल कितने ऑर्डर का है पोल ऑफ ऑर्डर ऑर्डर कितने का था टू का और ये ऑर्डर ही किसकी वैल्यू बताएगा एम की ठीक है तो अब इसके लिए रेजिडियो निकालना है तो रेजिडियो ऑफ एफ जेड एट मल्टीपल पोल ऑफ ऑर्डर एम के लिए फार्मूला था जेड इक्वल टू ए लिमिट जेड टेंस टू ए वन अपॉन एम माइनस वन फैक्टोरियल एम माइनस वन टाइम डेरिवेटिव ऑफ जेड माइनस ए की पावर एम इन टू एफ जेड ये फार्मूला था ठीक है तो इस फार्मूले को लगा देते हैं भाई हमारे पास अब जिसके लिए हम काम कर रहे हैं इसके लिए काम कर रहे हैं हम रेजिड एट जेड इक्वल टू ए निकाल रहे हैं तो जेड इक्वल टू वन तो ए की वैल्यू इस फार्मूले में हो जाएगी कितना वन तो रेजडियो ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू वन इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू वन वन अपॉन एम की वैल्यू कितनी है जो ऑर्डर है यानी कि टू तो टू माइनस वन टाइम फैक्टोरियल और यहाँ आ जाएगा टू माइनस वन टाइम टाइम डेरीवेटिव किसका डेरीवेटिव भाई जेड माइनस ए की पावर एम ए हमारा कितना है वन और एम की वैल्यू है हमारे पास टू इंटू एफ जेड इज इक्वल टू वन ये वन अपॉन वन फैक्टल तो वन हो जाएगा डी बाय डी जेड ऑफ जेड माइनस वन का होल स्क्वायर एफ जेड कितना था हमारे क्वेश्चन में जेड प्लस वन अपोन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस टू ये टोटल एफ जेड था तो ये वैल्यू हम हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी तो अब हमारे पास रेजिटिव बनेगा लिमिट जेड टेंस टू वन डी बाई डी जेड ऑफ जेड प्लस अपॉन जेड माइनस टू इसको डिफरेंश कर देते हैं जैसे हम डिफरेंशियट करेंगे तो आएगा जेड माइनस टू इंटू जेड प्लस वन का डेरेवेटिव माइनस इस बार जेड प्लस और जेड माइनस टू का डेरेवेटिव अपॉन जेड माइनस टू का होल स्क्वायर अब इसमें जेड इक्वल टू वन रखते हैं हमें आंसर मिल जाएगा तो जैसे हम जेड इक्वल टू वन रिप्लेस करेंगे तो ये वन माइनस टू और माइनस वन प्लस वन अपॉन वन माइनस टू का होल स्क्वायर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यहाँ से माइनस वन और ये माइनस टू तो माइनस का थ्री अपॉन वन आ जाएगा तो माइनस थ्री रेजिटिव आ जाएगा तो ये आपका रेजिटिव एट जेड इक्वल टू वन आ गया तो हम सिंपल पोल और मल्टीपल पोल दोनों पर रेजिडिव निकालने का फार्मूला और प्रोसेस डिस्कस कर चुके हैं अब हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसे कहते हैं कोची रेजिडि थ्योरम उसको डिस्कस कर अब हम डिस्कस करते हैं कोची रेजिडि थ्योरम कोची रेजिडि थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ जेड है जो कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन है और एनालिटिक है विद इन एन ओन ए क्लोज कंटूर सी मान लो ये क्लोज कंटूर एक क्लोज कर्व सी है ये वाला कोई क्लोज कर्व सी है इस क्लोज कर्व सी के अंदर फंक्शन क्या कह रहा है एनालिटिक है इस पर और इसकी बाउंड्री पर और इसके अंदर एक्सेप्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड एन यानी कि कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स हैं उनके अलावा जैसे मान लो जेड वन पोल है यहाँ पर एक ऐसी जेड टू पोल है यहाँ पर ऐसी जेड थ्री पोल है इसी तरीके से टोटल जेड एन पोल है जेड एन पोल्स हैं एन पोल्स हैं तो इन पोल के अलावा बाकी सभी पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक है तो उस केस में वो कहता है कि अगर आर वन आर टू आर थ्री बी द रेस्पेक्टिवली रेजिड्यू ऑफ एफ एट दीज पोल यानी कि आर वन रेजिड्यू है जेड वन पोल पर आर टू रेजिड्यू है जेड टू पोल पर इसी तरीके से अलग अलग पोल्स पर रेजिड्यू है ये रेजिड्यू है ये एफ के उस फंक्शन का इंट्रीगल अलोंग क्लोज कर्व सी इस क्लोज कर्व सी के अलोंग जो इंट्रीगल होगा फंक्शन एफ जेड का वो इक्वल टू होगा टू पाई आई इन टू आर वन प्लस प्लस आर एन यानी कि ये जो इंट्रीगल कर्व सी के अलोंग निकाल रहे हैं जिसमें जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड एन ये सारे हमारे पोल्स हैं तो वो कहता है फंक्शन एफ जेड का इंट्रीगल इस क्लोज कर्व सी के अलोंग निकालना है तो जस्ट आपको हर एक पोल पर रेजिड्यू निकाल लेना है आर वन आर टू आर थ्री आर एन और उनको सम करके टू आई से मल्टीप्लाई कर देना टोटल सम को तो जो आएगा वो इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी ऐसा कोची रेजिटिव थ्योरम कहते हैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये कोची थ्योरम ये कहना चाहती है कि अगर कोई भी इंटीग्रल किसी फंक्शन एफ जेड का निकालना है किसी क्लोज कर्व सी के अंदर बस सी कर्व ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर सिर्फ जडवन जेड टू जड थ्री जडवन ये सारी पोल सिंगरिटी फंक्शन की बनती हूं तो इन सिंगुलरिटीज पर इंटीग्रल निकालने के लिए आपको हर एक पोल पर जेड वन पर भी रेजिड्यू निकाल लेना मान लो आर वन आया जेड टू पर भी रेजिड्यू निकाल लेना मान लो आर टू आया ऐसी जेड एन पर भी निकालना है आर एन आया तो इन सारे रेजिटिव को फाइंड आउट करके उनका सम निकाल लेना है और सम को मल्टीप्लाई टू पाई आई से कर देंगे तो इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी दैट मीन्स इज इक्वल टू टू पाई आई समेजिड्यू एट पोल्स विद इन सी सिर्फ उन्हीं पोल पर रेजिड्यू निकालना है जो सर्कल के अंदर या कर्व के अंदर लाई करें क्लोज कर्व के अंदर ठीक है ये क्लोज कर्व जरूरी नहीं है सर्कल हो रेक्टेंगल स्क्वायर भी हो सकता है पर क्लोज होना चाहिए तो कोची रेजिड्यू थेम ये कहती है अब इसके हेल्प इसको प्रूफ करते हैं इसका प्रूफ भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है टू थाउजेंड फिफ्टीन में टू थाउजेंड फिफ्टीन में टू थाउजेंड थर्टीन में और टू थाउजेंड इलेवन में यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रूफ करने को आया हुआ है टू थाउजेंड फिफ्टीन टू थाउजेंड थर्टीन टू थाउजेंड एलेवन में ठीक है ये आपका आपको स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट भी लिखने को यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है प्रूफ करते हैं आप क्वेश्चन में कहा गया था ये एक क्लोज़ कंटूर सी था इस क्लोज कंटूर सी के अंदर सिंगुलैरिटी थी एक जेड वन थी कहीं पर जेड टू थी कहीं पर जेड थ्री थी इसी तरीके से और भी थी और यहाँ कहीं पर मान लीजिए जेड एन है ठीक है तो अब ये क्विश थ्योरम में कहता है कि अगर ये पोल सिंगुलरिटीज हैं फंक्शन की जो कर्व क्लोज कर्व सी के अंदर लाई करती हैं तो आपको इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया कि जेड वन को सेंटर मानकर बहुत स्मॉल रेडियस का सर्कल बना लिया इसको हम गामा वन बोल रहे हैं सेंटर बनाते हुए Z2 को सेंटर मानते हुए एक सर्कल दूसरा बनाया जिस पर को हम गामा टू बोल रहे हैं ऐसे ही Z3 को सेंटर मानकर एक सर्कल बनाया जिसे हम गामा थ्री बोल रहे हैं और ऐसे ही सभी पर बनाया और जेड पर भी बनाया जैसे हम गामा एन बोल रहे हैं और ये सारे सर्कल ऐसे बनाए जो नॉन नोवर हो एक दूसरे को क्रॉस ना करे कट ना करे कहीं पर भी तो क्या कहता है लेट गामा वन गामा एन आर द सर्कल्स विद सेंटर एट जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड एन रेस्पेक्टिवली रेडिया ही सच दैट इनकी रेडियस इस तरीके की है नो टू सर्कल ओवरलैप कोई भी दो सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करें तो इन सर्कल के बाहर ये जो गामा उन गामा टू गामा थ्री गामा इन है और इस कर्व सी के अंदर के बीच के पोर्शन में फिर फंक्शन की कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी यानी कि इनके बीच का जो एक कॉमन पोर्शन होगा सर्कल से बाहर और कर्व सी के अंदर तो इस पोर्शन में और कोई सिमिलरिटी तो है ही नहीं तो फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा तो कोची एक्सटेंशन थ्योरम लगाई जा सकती है वो क्या कहती है कि बाहर वाले कर्व के अलोंग जो एंट्रीगल होगा सी के अलोंग वो इक्वल टू होगा सम ऑफ एंट्रीगल अलोंग अलग अलग जो सर्कल अंदर है यानी कि कर्व सी के अलोंग एंट्रीगल कोची एक्सटेंशन थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वल होगा एंट्रीगल अलोंग गामा वन सर्कल एफ जेड का प्लस इंट्रीगल एफ जेड अलोंग गामा टू प्लस इंट्रीगल अलोंग फंक्शन एफ जेड गामा एन सर्कल अब ये हमारी इक्वेशन वन हो गई ठीक है उसके बाद By definition से, by definition of residue. Residue की definition देखें, तो उससे हम जानते हैं कि R1 जो होगा, जो कि रेजिड्यू होता है किस पर एफ जेड का एट जेड इक्वल टू जेड वन पर हम बात करें तो किसके इक्वल होता है भाई इसे हम पढ़ाता था बी वन से डिनोट करते हैं वो इक्वल टू होता है वो सर्कल के अलोंग जिसमें सिर्फ जेड वन लाइक था वो गामा वन हो गया एफ जेड डी जेड इस इंटीग्रल के इक्वल होता है ऐसी आर टू किसके इक्वल होता है वो होता है वन पॉइंट टू पाई आई वो होगा इंटीग्रल अलोंग गामा टू एफ जेड डी जेड ठीक है ऐसे ही हमारे जितने भी रेजिड्यूज हैं आर एन तक हर एक की वैल्यू वन पॉइंट टू पाई आई इंट्रीगल गामा एन एफ जेड डी जेड की इक्वल होगी अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करके इससे इंट्रीगल की वैल्यू निकालें गामा वन के अलोंग फंक्शन एफ जेड के इंट्रीगल की तो किसकेगा टू पाई आई इंटू आर वन यहाँ से गामा टू के अलोंग एफ जेड का इंट्रीगल निकालें तो वो किसके इक्वल होगा टू पाई आई इंटू आर टू एंड सोन इसी तरीके से अगर हम गामा एन सर्कल के लिए एफ जेड का इंटीग्रल निकालें तो वो किसकेगा टू पाई आई इंटू आर एन तो ये सारी वैल्यू आती चली जाएगी अब ये सारी वैल्यू को हम यूज़ कर लेंगे यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन जैसे ही हम वन में यहाँ पर यूज़ करेंगे तो अलोंग क्लोज कर सी एफ जेड का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो गामा वन के एलो इंट्रीग्रल के वैल्यू कितनी है टू पाई आई इंटू आर वन आइए गामा टू के एलोग इंट्रीग्र यहाँ से आया हमारा प्लस टू पाई आई इंटू आर टू गामा ऐसे ही आ गा सोन सब आते रहेंगे और गामा एन के लिए आ जाएगा टू पाई आई इन टू आर एन और हम टू पाई आई को कॉमन ले लें तो क्या वैल्यू आएगी आर वन प्लस आर टू प्लस सोन आर एन तक यानी कि ये किसके इक्वल हो गया इंटीग्रल किसके इक्वल हो गया थर्म के अकॉर्डिंग टू पाई आई इंटू सम के अंदर पोल लाई कर रहे थे उसी सभी पोल पर रेजिड्यू के सम मल्टीप्लाई बाई टू पाई आई के इक्वल इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी अब एक एग्जाम्पल इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई प्रूफ करने को तो आ ही जाता है पर ज्यादातर इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है चलिए क्वेश्चन करते हैं एक एग्जाम्पल यहां पर कहता है डिटरमाइन डिटरमाइन द पोल्स एंड रेडियो एट ईच पोल ऑफ एफ जेड इज इकल टू जेड अपॉइंट जेड स्क्ट प्लस टू इज द सर्कल मोड जेड माइनस टू इज टू वन बाई टू तो क्वेश्चन के अंदर हमें फंक्शन एफ जेड दिया हुआ है और एक तो उसने पोल फाइंड आउट करने को कहा है और उन पोल पर रेजड्यू निकालना है हर पोल पर ईच पोल पर देन वो कहता है इंटीग्रल की वैल्यू निकालो जहाँ पर कर्व सी जो है वो सर्कल बताया हुआ है सर्कल की इक्वेशन है मोड जेड माइनस टू इज टू वन बाई टू तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में पोल निकालना है तो पोल फाइंड आउट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको जीरो रखकर जेड निकाल लेते हैं तो फोर पोल के लिए हमें क्या करना होगा डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रखना होगा डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या रख देंगे जीरो ठीक है तो डिनोमिनेटर में तो हम है जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस टू ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ से जेड माइनस टू और जेड माइनस वन इसके फैक्टर बनते हैं और जेड की वैल्यू हमारी वन और टू आ जाती है यहाँ पर हम देखते हैं कि जेड इक्वल टू वन का ऑर्डर इसका कितना है इसका ऑर्डर भी जेड इक्वल टू वन एक ही बार तो आ रहा है तो ऑर्डर वन है यानी कि सिंपल पोल है सिंपल पोल और ऐसे ही इसका भी ऑर्डर जेड इक्वल टू टू का पावर तो वन ही है ना तो ये ऑर्डर कितने का पोल है ये भी वन ऑर्डर का और वन ऑर्डर के पोल को क्या कहते हैं सिंपल पोल यानी कि जेड इक्वल टू वन और जेड इक्वल टू टू आर सिंपल पोल सिंपल पोल हो गए फंक्शन के अब वो क्वेश्चन में कहता है कि जो पोल है उन पर पोल तो पता लग गया अब हमें इन पर रेजिटिव निकालना है तो रेजिटिव फाइंड आउट करने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा रेजिटिव एफ जेड एट सिंपल पोल जेड इक्वल टू ए निकालने का फॉर्मूला क्या था लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए इंटू एफ जेड और हमें किस पर फाइंड आउट करना है पहले तो जेड इक्वल टू वन पर निकालना है तो फार्मूला ए की जगह पर वन आ जाएगा तो जेड टेंस टू वन जेड माइनस वन इंटू एफ जेड एफ जेड था जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस टू इसे हम लिमिट जेड टेंस टू वन ये जेड माइनस वन इंटू जेड अपोन में जो टर्म है से फैक्टर हमने ऊपर किए थे जेड माइनस वन जेड माइनस टू फैक्टर बने क्योंकि अगर हम वन ऐसे ही डायरेक्ट रखेंगे तो ये भी जीरो बन जाएगा जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन जाएगी तो इसलिए हमने फैक्टर करें तो ये फैक्टर जेड माइनस वन से जेड माइनस वन कैंसिल आउट हो गया अब जेड टेंस टू वन रखेंगे तो ऊपर आएगा नीचे वन माइनस टू तो सॉल्व करके आपका माइनस वन रेजडि आ जाता है उसके बाद अब हम फाइंड आउट करेंगे रेजडिव एफ जेड का इसे मैं आर वन बोल देता हूँ रेजिटिव की वैल्यू को ये जो हमारा निकल कर आया आर वन आ गया कितना माइनस वन अब हम रेजिटिव ऑफ एफ जेड निकाल लेते हैं आर टू एट जेड इक्वल टू दूसरे पोल यानी कि टू पर उसके लिए फार्मूला सेम लगेगा क्योंकि जेड इक्वल टू टू भी सिंपल पोल है तो जेड टेंस टू इस फार्मूले में एक ही जगह पर इस बार टू आ जाएगा जेड टेंस टू टू जेड माइनस टू इन टू एफ जेड आ जाएगा अब वैल्यू रखते हैं एफ जेड की तो लिमिट जेड टेंस टू टू जेड माइनस टू एफ जेड की वैल्यू कितनी थी जेड अपॉन जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू तो जेड माइनस टू से जेड माइनस टू कैंसिल अब जेड इक्वल टू टू रिप्लेस करेंगे तो टू अपॉन टू माइनस वन वैल्यू सोल्व करके टू आ जाती है तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो आर टू रेज कितना आ जाता है हमारा टू आ जाता है ठीक है अब कोची रेजिटिव थ्योरम के अकॉर्डिंग वो इंटीग्रल की वैल्यू कीट करने को कह रहा है वो कह रहा है इंटीग्रल अलोंग कर्व सी और सी क्या बोला है सर्कल सर्कल तो क्लोज कर्व होता है पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं इंटीग्रल निकालने से पहले मैंने आप लोगों को बताया तीन बातों पर फोकस करना होता है एक फंक्शन एफ जेट क्लोज कर्व सी जो है उसको ड्रॉ करना होता है तीसरा उसकी पोल सिंगल पोल निकाल कर उस पर रेजिटिव निकालना होता है तो हमने सबसे पहले तो एफ जेट पर फोकस किया फिर उसके पोल्स निकाले फिर उसका रेजिड निकाला अब कर्व सी को ड्रॉ कर लेंगे सी क्या बोला गया क्वेश्चन में सर्कल जिसका यहां परल टू वन बाई टू और हम जानते हैं सर्कल की कॉम्प्लेक्स फॉर्म में equation, formula, क्या है जेड माइनस जेड नोट इजिकल टू वाह नोट की वैल्यू यहाँ पर टू दिख रही है और यही सेंटर होता है तो टू को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें क्या लिख सकते हैं टू प्लस जीरो वाई तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे भाई रियल पार्ट एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा इमेजर पार्ट वाई कोऑर्डिनेट यानी कि टू कॉमा जीरो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए ये हो गया, गया सर्कल का सेंटर अब रेडियस क्या होगी रेडियस तो यहाँ पर क्या होती है आर तो आर की वैल्यू कितनी है वन बाई टू तो अब हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे जिसका सेंटर टू कॉमा जीरो पर हो और रेडियस वन बाई टू यहाँ मान लिया वन है यहाँ पर टू तो टू कॉमा जीरो तो सेंटर हो गया जेड इक्वल टू टू यहाँ पर इसका सेंटर और रेडियस कितनी है वन बाई टू तो वन बाई टू डिस्टेंस इधर जाएगा वन बाय टू डिस्टेंस इधर जाएगा रेडियस सेंटर से रेडियस के बराबर दूरी के इधर जाएगा और इधर जाएगा मान हाँ लिया यहाँ वन यहाँ वन बाई टू दूरी के इधर इधर जाएगा वन बाई टू इधर जाएगा सर्कल तो यानी कि सर्कल कुछ इस तरीके से ड्रॉप हो जाएगा ठीक है तो ये हमारा सर्कल हो गया अब सेंटर से वन बाई टू डिस्टेंस आगे जाएगा यानी कि ये कहाँ तक जाएगा भाई सेंटर तो टू पर है वन बाई टू और आगे गया तो ये पॉइंट हो जाएगा टू पॉइंट फाइव और ये वाला पॉइंट वन बाई टू सेंटर टू पर है वन बाई टू डिस्टेंस बैक गया तो ये टू वन बाई टू माइनस होकर ये पॉइंट आ जाएगा वन पॉइंट फाइव ठीक है तो ये दो पॉइंट हमारे पास ये यहाँ तक सर्कल के पॉइंट होंगे और ये हमारी सर्कल की बाउंड्री है सी जिस सर्कल का नाम सी अब हमें एग्जामिन करना है कि ये जो हमारी सिंगुलैरिटीज हैं पोल्स हैं इनमें से कौन सा पोल सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो हमारे पोल थे जेड इक्वल टू वन और जेड इक्वल टू टू तो हम देख सकते हैं कि वन तो क्योंकि वन पॉइंट फाइव पर जा रहा है ये यहाँ मैक्सिमम और वन इसके बाहर यहाँ कहीं पड़ेगा तो वन सर्कल के बाहर है ओनली टू सर्कल के अंदर है तो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और ये ओरिजन तो हम देख सकते हैं वन बाहर रहेगा क्योंकि वन पॉइंट फाइव तक इधर जा सकता है और बाकी पॉइंट इधर आ जाएंगे और इधर टू पॉइंट फाइव तक जा सकता है बाकी इधर तो वन पॉइंट फाइव से इधर इधर के पॉइंट तो बाहर ही जाएंगे गए सर्कल के तो यहाँ पर हम देखें तो ओनली पोल जेड इक्वल टू टू लाई करेगा इन सी सो बाय कोची रेजिड थ्योरम कोची रेजिड थ्योरम से इंटीग्रल की जो वैल्यू पूछी गई थी एफ जेड डी जेड विद इन सी जो सी के अंदर पोल लाई करते हैं उन पर रेजिड्यू और सी के अंदर सिर्फ कौन सा लाई कर रहा है टू और टू पर रेजिड्यू हमने अभी निकाला था आर टू जिसकी वैल्यू टू पर रेजिड्यू निकाला था ना इसकी वैल्यू कितनी आई थी टू तो यानी कि इंटू टू आ जाएगा तो ये हमारा फोर पाई आई इंटीग्रल की वैल्यू होगी आंसर एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है का और भी करना है सर्कल तो हमें सबसे पहले तो पोल्स फाइंड आउट करना होगा अभी आपको बताया पोल फाइंड आउट करने का प्रोसेस क्या होता है सिर्फ डिनोमिनेटर को उठाएं डिनोमिनेटर उठाएँ और किसके इक्वल रख दें जीरो के डिनोमिनेटर में है जेड प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस टू जीरो के इक्वल रख देंगे तो यहाँ से जेड की वैल्यू हमें माइनस वन माइनस वन क्योंकि पावर टू है तो टू टाइम मिलेगी और जेड इक्वल टू यहाँ से टू आ जाएगा तो यहाँ पर अगर बात करें तो जेड इक्वल टू टू जो है वो सिंपल पोल हुआ सिंपल पोल हुआ क्योंकि ऑर्डर कितना है इसका वन है क्योंकि ये जेड इक्वल टू टू एक ही बार आ रहा है और जेड इक्वल टू माइनस वन इस पोल हुआ ऑफ ऑर्डर कितने ऑर्डर का ऑर्डर टू का क्योंकि इस ये टू टाइम रिपीट कर रहा है जो वन टाइम रिपीट करता है उसे सिंपल पोल बोलते हैं जिसका ऑर्डर वन हो और वन से ज़्यादा है तो ऑर्डर टू ऑर्डर थ्री ऑर्डर फोर बोलते हैं तो इसका ऑर्डर टू हो गया ऑर्डर ही किसकी वैल्यू बताता है एम की तो एम बराबर टू हो जाएगा अब हमें क्या करना होगा एक तो उसने पोल पूछा था दूसरा रेजिडिव पूछा है तो रेजिडिव निकालते हैं रेजिडि एफ जेड का एट सिंपल पोल पर फार्मूला फार्म। क्या फार्म। 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 था जेड इक्वल टू टू पर निकालना है तो टू तो सिंपल पोल है क्या फार्मूला था इसके लिए लिमिट जेड टेंस टू ए हमारा टू है जेड माइनस टू इंटू एफ जेड लगा देते हैं फार्मूला लिमिट जेड टेंस टू टू एफ जेड की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं एफ जेड हमारे क्वेश्चन में जेड माइनस वन अपोन जेड प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस टू है जेड माइनस टू से जेड माइनस टू कैंसिल अब जेड टेंस टू टू रखेंगे तो टू माइनस वन ये वन आ जाएगा और यहाँ टू प्लस वन यानी कि थ्री का स्क्वायर नाइन तो ये हमारा वन बाई नाइन रेजटिव आ गया ठीक है उसके बाद हम इसको हम आर वन से डिनोट करते हैं रेजिटिव पहला आया वन आर वन इक्वल टू वन बाई नाइन अब रेजिटिव निकाल लेते हैं फंक्शन का एफ जेड कहाँ पर दूसरे वाले पोल पर दूसरा पोल क्या है जेड इक्वल टू माइनस वन और माइनस वन जो पोल है वो ऑर्डर एम का पोल है तो एम ऑर्डर के पोल के लिए क्या फार्मूला था लिमिट जेड टेंस टू माइनस वन न अपॉन एम माइनस वन फैक्टोरियल तो एम हमारा ऑर्डर है ऑर्डर कितना क्वेश्चन में टू है तो यहाँ पर टू माइनस वन फैक्टोरियल और डेरिवेटिव टू माइनस वन टैम यानी कि डी बाई डी जेड ऑफ किसका का जेड माइनस वन माइनस वन तो प्लस हो जाएगा की कि पावर कितने ऑर्डर का टू ऑर्डर का इन टू एफ जेड ये फार्मूला था लिख देते हैं यहाँ पर फार्मूला हमारे पास फार्मूला था रेजिटिव निकालने का एफ जेड का अगर एफ जेड एम ऑर्डर का पोल है तो क्या फार्मूला था आ, लिमिट जेड टेंस टू ए वन अपॉन एम माइनस वन फैक्टोरियल एम माइनस वन टाइम डेरिवेटिव किसका करना है जेड माइनस ए की पावर एम इन टू एफ जेड का ठीक है तो ये फार्मूला था तो यहाँ पर सेम फार्मूला हमने लगाया एम की प्लेस पर ऑर्डर होता है और ऑर्डर कितने का बोलता है टू ऑर्डर का माइनस वन कितने ऑर्डर का बोलता टू एम की वैल्यू टू रखी तो टू माइनस वन फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर टू माइनस वन टाइम डेरिवेटिव यानी कि वन टाइम किसका जितने ऑर्डर का पोल है तो टू ऑर्डर का पोल है तो जेड माइनस ए ए की जगह पर हम माइनस वन पर निकाल दें तो जेड माइनस ए तो जेड माइनस माइनस वन करेंगे तो प्लस वन की पावर टू टू एक् जेड का करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट जेड टेंस टू माइनस वन ये आपका वन हो गया ये वन हो जाएगा ये भी वन ये भी वन और डेरीवेटिव करना है डी बाई डी जेड जेड प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एफ जेड एफ जेड है हमारा जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस टू ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो लिमिट जेड टेंस टू माइनस वन डी बाई डी जेड ऑफ जेड माइनस वन अपॉन जेड माइनस टू रह जाता है इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं भाई डिफरेंशियट करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले न्यूमरेटर में जेड माइनस टू फिर इसका इंटू में डेरिवेटिव वन माइनस इस बार जेड माइनस वन एज इट इज इंटू में जेड माइनस टू का डेरिवेटिव वन अपॉन जेड माइनस टू का होल स्क्वायर और अब हमें इसके बाद रखना है जेड टेंस टू माइनस वन तो इसमें माइनस वन रखेंगे तो क्या आएगा माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस वन अपोन माइनस वन माइनस टू का होल स्क्वायर तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू हमारी बनती है प्लस का टू और ये हमारी बनती है माइनस का थ्री तो सॉल्व करके माइनस का वन बाई नाइन रेजिटिव आ जाता है ठीक है तो इस तरीके से हमारा आर टू इक्वल टू कितना है? का है, अब हमें दिया हुआ है तो यहाँ पर सी को देख लेते हैं क्वेश्चन में गिवन है सी जो है वो क्या है सर्कल है मोड जेड माइनस आयोटा इजिकल टू टू इसको अगर हम कंपेयर करें तो मोड जेड माइनस जेड नोट इजिकल टू आर से तो सेंटर जो हो जाएगा सेंटर जेड नोट इक्वल टू आई बन रहा है और आई को हम जीरो प्लस वन इन आई लिख सकते हैं तो कोऑर्डिनेट बने रियल पार्ट एक्स कोऑर्डिनेट इमेजिनरी पार्ट पार्टी तो सेंटर के कोऑर्डिनेट जीरो कामा बन और रेडियस जो है इसकी सर्कल की रेडियस जो बनेगी वो आर इजिकल टू टू बन रही है तो टू रेडियस का सर्कल जीरो कॉमा वन पर बनेगा तो हमारा ये सर्कल यहाँ पर बन जाता है जीरो कामा वन सेंटर हो गया और रेडियस टू का सर्कल ये कोई बन जाएगा यहाँ तक मान लीजिए ये बन गया ठीक है ये हमारा जेड इक्वल टू आई हो तो ये टू रेडियस का सर्कल है यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस कितनी है इसकी रेडियस हमारी टू है सर्कल ठीक है अब यहाँ पर ये पॉइंट हमारा जीरो कोमा वन हो गया ठीक है अब ये हमारा ओरिजन हो गया ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया अब वो क्या कहता है वो कहता है कि इंटीग्रल निकालना और ये कर्व सी हमारा क्वेश्चन में बोला गया है अब इंटीग्रल निकालने के लिए हम चीज रेजिटिव थ्योरम लगाते हैं थ्योरम ये कहती है कि इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो आपको जो भी कर्व के अलोंग इंटीग्रल निकालना है उसके अंदर पोल्स पहले देखने कौन सा लाइक करेगा जितने भी आपके पोल्स हैं उनमें से चेक करना है पहले कौन सा लाई करेगा जस्ट पहले उस पर रेजिटिव निकालना है तो आपके इस सर्कल के अंदर दो पोल क्वेश्चन में निकल कर आए हैं आपके एक तो हमने ऊपर सॉल्व करे थे एक तो जेड इक्वल टू माइनस वन था और एक जेड इक्वल टू टू था अब हमें आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा अंदर लाई करेगा माइनस वन अंदर लाई करेगा या टू लाई करेगा अब इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है कि माइनस वन या टू में से कौन अंदर लाई करेगा और माइनस वन को कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम लिखें तो माइनस वन को जीरो बनेंगे टू को लिखें तो टू कोमा जीरो कोर्डिनेट यानी कि दोनों पॉइंट एक्सिस पर होंगे अब ये सर्कल के अंदर लाई करेंगे या नहीं वो डिपेंड करेगा ये दूरी कितनी है अगर ये दूरी टू से ज़्यादा है तो आपका टू भी अंदर आ जाएगा और इधर माइनस वन भी अंदर आ जाएगा और अगर ये दूरी टू से कम है तो हो सकता है आपका माइनस वन अंदर आए टू से कम है तो आपका सिर्फ माइनस वन अंदर आएगा और वन से भी कम है तो दोनों में से कुछ नहीं आएगा तो इट मीनस ये दूरी निकालने पर ये सारा कंसेप्ट आगे का डिपेंड करता है तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम जान रहे हैं कि ये जीरो कोमा वन है तो ये वाली दूरी तो वन हुई और ये टू है तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसमें लगा दें तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारा बेस हुआ तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटीनियस स्क्वायर होता है तो हमें ये बेस निकालना है तो बेस इज इक्वल टू हाईपोटीनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो हाइपोटीनियस है टू माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो ये सॉल्व करके कितना आ जाता है रूट थ्री और रूट थ्री हम जानते हैं वन पॉइंट सेवन थ्री टू समथिंग होता है तो ये वैल्यू टू से तो लेस है ना दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है हमारी रूट थ्री आई है रूट थ्री मतलब वन पॉइंट सेवन समथिंग तो इट मींस ये दूरी टू से लेस है और इधर भी कहाँ तक जाएगा माइनस रूट थ्री तक जाएगा तो इसका मतलब इसके अंदर टू तो आना ही नहीं है टू तो बाहर रह जाएगा क्योंकि ये दूरी कितनी है माइनस ये दूरी वन पॉइंट सेवन फाइव है सेवन थ्री है तो इसका मतलब टू बाहर रह जाएगा और माइनस वन आपका अंदर रह जाएगा माइनस वन वाली सिंगुलरिटी जो है वो जेड इक्वल टू माइनस वन इस बार अंदर रह जाएगी ये आपका माइनस वन है माइनस वन अंदर रह जाएगा तो माइनस वन अंदर आ रहा है तो इसका मतलब रेजिडि थ्योरम में जो पोल निकालना होगा सिर्फ माइनस वन पर हमें जरूरत पड़ेगी तो हेयर ओनली जेड इक्वल टू माइनस वन लाई एन सी सो बाय कोची रेजिडि थ्योरम रेजिडि थ्योरम इंटीग्रल की वैल्यू जो हमें इंटीग्रल सॉल्व करना था एफ जेड डी जेड किसके होगा टू पाई आई टू रेजिड सम ऑफ रेजिड्यू ये फार्मूला थ्योरम पढ़ी थी सम ऑफ रेजिड एट पोल विद इन सी और सी के अंदर तो एक ही पोल लाई कर रहा है वो कौन सा वाला है माइनस वन माइनस वन वाले पोल पर हमने रेजिटिव निकाला था ये सॉल्व करा था माइनस वन पर रेजिटिव सॉल्व करके कितना आया था माइनस वन बाई नाइन तो यानी कि ये आ जाएगा इन टू माइनस वन बाई नाइन तो हमारे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा माइनस टू पाई आई बाय नाइन तो ये क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में टू थाउजेंड सेवनटीन में पूछा गया है टू थाउजेंड इलेवन में टू थाउजेंड इलेवन में यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया तो आपको इसे समझ में आ गया होगा कोची थ्योरम क्या है और इसे कैसे अप्लाई करके इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है ठीक है और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स की वीडियो लेक्चर्स हैं जिनका लिंक इस वीडियो के हर वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया गया है आप उन्हें देख सकते हैं सारी यूनिट्स के जो है वो लिंक डाल दिए गए प्लेलिस्ट डाल दी गई है तो उन्हें देखिएगा आज के लिए ही बाकी